चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द वर्क डन इन पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 2 किलो न्यूटन फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल इज 15 डिग्री की वैल्यू 0.259 दी हुआ है। चलो ठीक है, देखो अगर किसी ब्लॉक को, यहां पर एम मास का ब्लॉक है, यहां से आपको यहां तक चढ़ाना है, ठीक है, यहां से यहां तक चढ़ाना है, और उसका वेट दिया हुआ है, एम जी की वैल्यू है, एम जी की वैल्यू, वेट की वैल्यू दी हुई है 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन कितना हुआ, 2 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर हुआ वेट की वैल्यू है, एम जी की वैल्यू। अब यहां से यहां तक आपको चढ़ाना है तो हॉरिजेंटल, ये जो इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ाना है एल लेंथ पे, और एल लेंथ की वैल्यू कितनी है 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब एच की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 15 डिग्री है, और ये वैल्यू कितनी होगी ब्रेथ की वैल्यू, अगर मैं देखूं इस इंक्लाइन प्लेन का, ये होगा एल कॉस 15 डिग्री, ये एच इज इक्वल टू होगा एल साइन 15 डिग्री। तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी कितना आपने बढ़ाया उसका, उसी के बराबर आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्मूथ सरफेस बोल रहा है, स्मूथ प्लेन है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच के इक्वल होगा। अब एम जी की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम जी की वैल्यू 2 × 10³ न्यूटन ये दिया हुआ, एच की वैल्यू कितनी है एल साइन 15 डिग्री, एल साइन 15 डिग्री, और एल की वैल्यू 10 मीटर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 10³ × 10 × sin 15 डिग्री की वैल्यू 0.259 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अगर ये 10³ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 × 259 × 10, ये आपका हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 1 × 10 × 11 × 1 × 4 × 5 × 0, ये हो गया वर्क डन 5180 जूल, और अगर किलो जूल में कहा जाए तो 5.18 किलो जूल होगा, 5.18, 5.18 कहाँ है, 18 करीब करीब ये हुआ, 5.18 किलो जूल, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।